नमस्कार, आपकी खबरें आप तक, आपकी भाषा में सही और सटीक, आज तक आगे तक। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच बिगड़ सकता है चुनावी गणित। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नागौर में गर्मी के बावजूद चुनाव में लोगों ने जमकर मतदान किया। यह चुनावी दंगल में सीधा मुकाबला हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा में है। नागौर लोकसभा सीट पर 6 मई को हुई वोटिंग में 62.14% मतदान हुआ है। प्रदेश में दूसरे व अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिए हैं। नागौर में मतदाताओं ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1% अधिक मतदान किया है। सूत्रों की माने तो इससे चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। अब ये तो चुनाव परिणाम ही जानेगा कि ये मतदान का बड़ा प्रतिशत हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाएगा या फिर ज्योति मिर्धा के। इस बार खींवसर में 67.41% मतदान हुआ है और यहाँ से हनुमान बेनीवाल ही विधायक हैं। बेनीवाल ने सुबह ही अपना वोट डाला। बेनीवाल ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान हुआ है, निश्चित रूप से यह गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। वहीं नागौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा खुद अपना वोट नहीं दे सकी। हालांकि इसका कारण कोई तकनीकी वजह नहीं बल्कि उनका नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम नहीं होना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मिर्धा का नाम जयपुर लोकसभा क्षेत्र में है। नमस्कार, आपकी खबरें आप तक, आपकी भाषा में सही और सटीक, आज तक आगे तक।